ये मेरे पीछे जो ये एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की मॉस्क है और बाबर भाई स्पेशली यहाँ पे लेके आए हैं और ये बहुत ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हुई हुई है इसकी और बहुत अमेजिंग है। फिनिक्स का जो सबसे ग्रीन एरिया टेम्पी, उसके हम डाउनटाउन में यहाँ पर इस वक्त आए हैं और बड़ा ही एजुकेशनल एरिया है जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं, तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं। और चूँकि यहाँ का वेदर हॉट है तो जो अरब स्टेट से हैं वो काफ़ी स्टूडेंट्स जो ना वो यहाँ पे एरिज़ोना में पढ़ने आते हैं। वो दूसरी स्टेट्स में नहीं जाते क्योंकि वो स्नो पसंद नहीं करते या वो ज़्यादा रेनफॉल पसंद नहीं करते, तो उनको ये वेदर उनके कंट्री के हिसाब से सूट करते हैं, इसलिए फिर वो यहाँ टेम्पी में आते हैं और फिनिक्स में आते हैं, वो अपनी एजुकेशन यहाँ करते हैं। वेलकम टू डे 2 इन फिनिक्स एरिज़ोना। आज हम फिनिक्स के जो ग्रीन एरियाज हैं वो घूमेंगे और एक दो मॉल पे चक्कर लगाएंगे। चलें जी, लेट्स गो। कल भी बड़ा मज़ा आया, बाबर भाई ने काफ़ी जगह दिखाई हैं, बहुत जगह तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि इट वाज टू हॉट। तो ये थोड़ा हॉट है और ये बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो थोड़ा सा तगड़ा मौसम होता है वैसे है, लेकिन फिर भी इट्स नीट एंड क्लीन एंड वेरी अमेजिंग। आई एम वेरी मच, जैसे मैंने सुना था, इट लुक्स मच बेटर। बहुत सारी मूवीज़ हैं मेरी फेवरेट जो कि इस एरिया में बनी हुई हैं, सो मतलब कि इसका कॉन्सेप्चुअल एक था आइडिया का कैसा है, बट आफ्टर बीइंग हियर एंड गोइंग अराउंड इट्स बीन वेरी अमेजिंग। ये डेजर्ट स्टेट है तो यहाँ पे ग्रीन आपको बहुत कम नज़र आएगा, लेकिन पिछले 10 सालों में इन्होंने बहुत काम किया यहाँ पे और जो हमें ग्रीन एरियाज़ हैं बहुत सारे इन्होंने बिल्डअप कर लिए हैं। तो हमारा एल ए का प्लान क्या कैसे हो रहा है? देखिए जी, अमेरिका में ज़्यादातर जो ट्रैवलिंग ट्रेंड है वो बाय एयर है। नॉर्मली आप बाय एयर ट्रैवल करते हैं, फिर आप जो भी जिस भी एयरपोर्ट पे जाते हैं एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, वहाँ पे आप कार रेंट करते हैं और फिर आप जो भी एक्सप्लोरिंग वो करते हैं। लेकिन हमने चूज़ किया है कि हम इस दफ़ा इंशाल्लाह ड्राइव करेंगे और ड्राइव करके ले जाएंगे। 6 आवर्स ड्राइव है, उससे फिर ये होगा कि आपको एक्सप्लोरिंग ज़्यादा होगी, आपको फिर आपको पता लगेगा एरियाज़ का। और स्पेशली कैलिफोर्निया और एरिज़ोना में जो एक डिफरेंस है ग्रीन एंड डेजर्ट स्टेट का, वो आपको पता चलेगा। इट विल बी एन अमेजिंग जर्नी। यहाँ से एलए का मैंने सुना है कि ड्राइव जो है इट्स बिट लाइक बैरन भी है, लेकिन बहुत मज़े की ड्राइव है यहाँ से वहाँ। वज़ारीबाद एलए है, वहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है, डिज्नीलैंड है, उसका बेवर्ली हिल्स है, मालिबू वगैरह का एरिया है, और फिर होपफुली आगे हम सैक्रामेंटो है जो ऐसे सैन फ्रांसिस्को के पास है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली लॉट ऑफ स्टफ इज हैपनिंग। डे का स्टार्ट हमने प्रीमियम ब्रांड्स आउटलेट मॉल जो कि चैंडलर फिनिक्स के एरिया के अंदर है वहाँ से किया। बेसिकली गर्मी बहुत थी और मेरे लिए हैरानकुन चीज़ ये थी कि एक शॉपिंग मॉल जहाँ पे बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड्स के आउटलेट थे वो सब ओपन था, और इतनी गर्मी के अंदर इट वाज वेरी इम्पॉसिबल टू एक्सप्लोर। तो हमने थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर किया और उसके बाद हम वहाँ से निकल आए। लेगोलैंड है बच्चों के लिए, चूँकि हॉट स्टेट है इसलिए इन्होंने ज़्यादा इंडोर फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं। लेगोलैंड के साथ ही सी वर्ल्ड है, वहाँ पे सी लाइफ का ज़्यादातर है। तो मेन दो जो इंडोर यहाँ की जो है वो जी घूमने फिरने के लिए। लाइफ एक्वेरियम है एरिज़ोना का, बड़ा फेमस है और इसमें बच्चों के लिए इंडोर चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं। ये अब हम एरिज़ोना ग्रैंड रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ पे फिनिक्स का सबसे ग्रीन एरिया है। यहाँ पे एक्चुअली वो स्मॉल गोल्फ क्रॉस टाइप जो है वो ग्राउंड्स हैं, इसकी वजह से ग्रीनरी ज़्यादा है। तो ड्राई डेजर्ट एरिया में इस तरह की छोटी सी भी ग्रीन स्पॉट हमें मिल जाए तो बड़ी नेमत सबर की जाती हैं, खासतौर पर यहाँ एरिज़ोना फिनिक्स में। लंच का टाइम हो गया और हम आए हैं, ये रूबियोज है। तो ये बाबर भाई हमें इसके बारे में बताएंगे। रूबियोज भी मैक्सिकन स्टाइल की ग्रिल है और यहाँ पर ब्रिटोस वगैरह और टाकोस वगैरह होते हैं, लेकिन डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट टेस्ट, सब कुछ डिफरेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें मैक्सिको, हम अमेरिका से ज़्यादा मैक्सिको के अंदर हैं, क्योंकि मैं आज ऑब्जर्व कर रहा था हर जगह आपको ज़्यादातर मैक्सिकन ही नज़र आएंगे और लैंग्वेज आपको स्पेनिश ही बोलते हुए ज़्यादा जो है ना आपको वो सुनेंगे। और दूसरा फूड तो हमारा है ही टाकोस और जो है ना इस तरह नाचोस और स्टाइल का फूड चल रहा है अभी। तो लेट्स सी और देखते हैं कैसा है। पर इट्स वेरी हॉट एंड टुडे इज़ 117 सो और नियर अराउंड 47-48 डिग्रीज, तो ये काफ़ी है। तो लेट्स गो। रूबियोज में है और हमने आज ये टाकोस का किया है, ये नाचो टाकोस है और उसके बाद इसमें है ये फिश ब्रीटो है। तो बेसिकली ऐसे है, ये हमने किया है माही फिश है, उसके साथ है रैप है और ये साथ ब्रीटोस। तो इसको ट्राई करते हैं और आज का जो है वो फ्लेवर टेस्टिंग जो है वो बाबर भाई कर रहे हैं। तो बाबर भाई आप हमें बताइए कैसा है। हम यूज़ करते हैं ये ग्रीन सॉस है, हालापीनो सॉस कहते हैं इसको, बहुत ही टेस्टी है और ये पिज़्ज़ा सॉस टाइप की होती है, माइल्ड सॉस है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। वैसे इनके पास स्पाइसी भी है लेकिन इसका भी सेपरेट टेस्ट है, ठीक। तो ये ज़रा टेस्ट को ज़्यादा रिच कर देते। ओके, तो ये हमारा ब्रिटो और इसके अंदर बताएँ क्या क्या है। इसमें फिश है, साथ राइस है, बीन्स हैं, राइस है और चीज़ है। ओके, इट्स वेरी टेस्टी। येस्टरडे वाज ऑल्सो, उसमें भी बीन्स थे और उसके अंदर जो है साथ राइस थे, तो वो अलग कॉम्बिनेशन था। ज़ाहिर बात है टाको बेल है, बहुत बड़ा नाम है तो उसकी तो एक चीज़ है, लेकिन ये भी बाबर भाई ने बताया कि बहुत टेस्टी है और इसको हम ट्राई करने आए हैं। अच्छा, ये टाको है, कल वाला जो टाको था उसमें बरीटो के साथ जो है ना फिनिक्स था। ये सॉफ्ट जैसे रोटी होती है, कॉर्न का शैल है, ये कॉर्न का शैल है जिसका है। तो अब ये सॉस भी यूज़ करते हैं और मिक्स करते हैं, थोड़े से कर लें जो आपको सूट लगे। और उसके बाद फिर आपके पास ये भी है चॉइस, लेमन। लेमन वाला मैं बाद में करूँगा टेस्ट, थोड़ा सा वो रॉ टेस्ट जो है ना। हम जो बाली में गए थे, गिली आइलैंड, वहाँ पे हमने माही बल्कि बूथ के अंदर भी हमने 3 दिन माही पिज़्ज़ा खाया था। माही इज़ अ फिश और इट्स वेरी गुड। इसके अंदर राइस है, कॉर्न का टेस्ट है, साथ फिश है और थोड़ा सा मुझे लग रहा है बीन्स भी या कोई और चीज़ है, मेरे ख्याल चीज़ है, जिसकी वजह से ना एक माइल्ड टेस्ट आ रहा है। प्लान और सुना बाबर भाई, अब क्या प्लान है, किधर जा रहे हैं? अब हम यहाँ पे जो पॉश एरिया ना, यहाँ तो फिनिक्स के एरिया में स्कॉट्सडेल उसका नाम है। अच्छा, हम उसको ड्राइव रॉक स्कॉट्सडेल के अंदर आपको एक वेस्टर्न वाइब नज़र आएगी। यहाँ पे शॉप्स के फ्रंट्स और जो शॉप्स हैं अंदर से भी उन्होंने उसी तरह ही इनको डेकोरेट किया हुआ है। बेसिकली बड़ी ज़बरदस्त शॉप्स हैं, लेकिन मैं भी बाहर नहीं जा सकता बिकॉज टू हॉट। और इधर सिर्फ गैलरीज और फैंसी शॉप्स हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म का सारा है स्ट्रक्चर और जो आर्किटेक्चर भी है वो भी बड़ा अमेजिंग है। और अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने किया हुआ है, ज़्यादातर मुझे तो मैक्सिकन स्टाइल की कंस्ट्रक्शन लग रही है जैसे ओल्ड मूवीज़ में हम देखते थे। स्कॉट्सडेल इसका नाम है। और यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ आते हैं, स्पेशली जो आप कहते हैं कि वो अरब प्रिंस वगैरह वो भी यहीं पे आते हैं। वो शहजादे अपने वो ऊँट और अपने घोड़े वो यहाँ पे लेके आते हैं क्योंकि डेजर्ट एरिया है। वो यहाँ पे फिर अपनी गाड़ियाँ भी लेके आते हैं, जैसे आपने सुना हुआ है कि वो प्लेन्स में लेके आते हैं, वो इसी एरिया में लेके आते हैं। कैवलियर्स ब्लैकस्मिथ शॉप ये स्कॉटसडेल का सबसे ओरिजिनल और पुराना लैंडमार्क है। इन 1880 एरिज़ोना लिंक किनाल के लिए बहुत सारे वर्कर्स इस एरिया में आए थे। तो जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो इन 1920 जॉर्ज कैवलियर नामी एक मेटल वर्कर ने ये बिज़नेस इस्टेब्लिश किया था और ये बिज़नेस अभी भी कैवलियर फैमिली की मैनेजमेंट के अंडर है। फिनिक्स का जो सबसे ग्रीन एरिया टेम्पी, उसके हम डाउनटाउन में यहाँ पर इस वक्त आए हैं और बड़ा ही एजुकेशनल एरिया है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं, तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं। और चूँकि यहाँ का वेदर हॉट है तो जो अरब स्टेट से हैं वो काफ़ी स्टूडेंट्स जो ना वो यहाँ पर एरिज़ोना में पढ़ने आते हैं। वो दूसरी स्टेट्स में नहीं जाते क्योंकि वो स्नो पसंद नहीं करते या वो ज़्यादा रेनफॉल पसंद नहीं करते, तो उनको ये वेदर उनके कंट्री के हिसाब से सूट करते हैं, इसलिए फिर वो यहाँ टेम्पी में आते हैं और फिनिक्स में आते हैं, वो अपनी एजुकेशन यहाँ करते हैं। ये मेरे पीछे जो ये एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की मॉस्क है और बाबर भाई स्पेशली यहाँ पे लेके आए हैं और ये बहुत ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हुई हुई है इसकी और बहुत अमेजिंग है। और यहाँ पे बेसिकली ये एक मार्केट बनी है, स्क्वायर है पूरा, ये डिफरेंट कैंपस की जो है बिल्डिंग्स हैं और ये देखते हैं आप। और ये पीछे इसके ये पहाड़ी बनी हुई है, जबरदस्त किस्म का इसका व्यू है। तो मैं स्पेशली यहाँ पे बनाने के लिए आया हूँ। इट्स सो हॉट बट आई वांटेड टू शो यू कि जितनी खूबसूरत है ना, ये कैमरा उतना ज़्यादा कैच नहीं कर सकता जितना ये एक्चुअल है। जो ब्लू इसके अंदर आर्किटेक्चर है, ये जो कलर्स यूज हुए हैं इसके अंदर, वो देखिए।